हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस एपिसोड ऑफ डेली क्रिप्टो हिंदी। एंड आज हम बात करेंगे कुछ चटपटी खबरों के बारे में, कुछ नए फंडामेंटल कॉइन्स के बारे में, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कंसेंसस में क्या हो रहा है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं रोज़ डेली क्रिप्टो हिंदी का एक शो चलाता हूँ, जिसमें मैं रोज़ एक एपिसोड लाता हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को कॉइन्स के बारे में, आने वाली न्यूज़ के बारे में, आने वाली खबरों के बारे में बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशनल चीज़ें मिल जाती हैं समय से। आपको इतना तैयार कर दूंगा मैं कि आपको यहाँ पर किसी की भी राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी क्रिप्टो कम्युनिटी में, ठीक है, आप एकदम एबल हो जाओगे। तो ये सब फॉलो करो। आज चलते हैं अब डायरेक्ट अपनी पहली खबर की ओर, जो कि है, नो वन कैन शट डाउन बिटकॉइन सेज बाइनेंस सीईओ सीजे। तो सीजे ने कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले तो कंसेंसस चल रहा है, मैंने आपको बताया था कल के एपिसोड में कि कॉइन डेस्क का चल रहा है कंसेंसस, और वहाँ पर लोग आए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े नामी लोग हैं जो अपना इंटरव्यू देते हैं, एक तरह से बात करते हैं, अपने ओपिनियन देते हैं क्रिप्टो पे। तो वहाँ पर सीजे आए हुए थे बाइनेंस के, उन्होंने वहाँ पर बोला है कि बिटकॉइन को शट डाउन करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी, आई डोंट थिंक एनीवन कैन शट इट डाउन नाउ, गिवन दैट द टेक्नोलॉजी ऑफ बिटकॉइन इज़ इन 500 million पीपल्स हेड। यहाँ पर बात सही की उन्होंने, जो टेक्नोलॉजी की लोग बात करते हैं बंद करने की बिटकॉइन को, वो टेक्नोलॉजी 500 million लोगों के सर में है, यानी कि उनके दिमाग में है, उनको समझ में आती है। तो यहाँ पर ऐसे समय पर इसको बंद करने की बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। फाइटिंग ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी नाउ वुड बी सिमिलर टू रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अमेजॉन्स इंटरनेट बिजनेस मॉडल व्हेन द ई कॉमर्स जायंट फर्स्ट स्टार्टेड इन द अर्ली 1990s। यानी कि जब अमेजॉन स्टार्ट हुआ था शुरुआत में, तो अमेजॉन को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, जल्दी। तो फिर अमेजॉन को अगर धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, तो बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये वही बात हो जाएगी कि आप अमेजॉन को मना कर रहे हो, जबकि आने वाले समय में अमेजॉन का ही टाइम था, ठीक, यहाँ पे टाइम आ गया अमेजॉन का। क्रिप्टो करेंसी आर नॉट हेयर टू किल ट्रेडिशनल फाइनेंस और गवर्नमेंट बैक फाइट करेंसीज, बट टू प्रोवाइड मोर फ्रीडम ऑफ मनी। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल फाइनेंस, यानी कि जो हमारा ऐसे लेन देन होता रहता है पेटीएम वगैरह, या फिर जो नोट वाला कैश चलता है, उससे उसको ख़त्म करने यहाँ पे नहीं आई है। वहाँ यहाँ पर क्रिप्टो का काम सिर्फ ये है कि वो फ्रीडम देता है मनी का, यानी कि जो जिसको चाहे सेंड कर सके, उसको जिस तरह से यूज़ कर सके। बट यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ प्रोज भी हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर अगली खबर जो आई है वो ये है कि जो आर्क फाउंडेशन की जो वो हैं सीईओ, आप कह सकते हो केथी वुड, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पर नाम है जिनका, तो उन्होंने कहा है कि एलन मस्क एंड द ESG मूवमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीसेंट ड्रॉप इन क्रिप्टो करेंसी प्राइसेस। यानी कि जो अभी रीसेंट ड्रॉप आया है, क्रिप्टो क्रैश हुआ है, 50% बिटकॉइन ने वैल्यू अपनी लॉस कर दी, वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर लोग ESG मूवमेंट चल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता ESG क्या है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंट्स मूवमेंट, जिसमें यहाँ पर लोग एनवायरमेंट और सोशल एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी चीज़ को लेकर, उसके चक्कर में मूवमेंट करते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। बट यहाँ पर वही बात है कि देखिए, यहाँ पर लिखा भी आर्टिकल में कि एलन मस्क ने पहले यहाँ पर चेक नहीं किया, और बाद में फिर उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया। पहले बोला कि बाय बिटकॉइन फॉर इट्स ट्रेजरी एंड एक्सेप्ट इज अ पेमेंट फॉर इट्स का रिवर, बाद में उन्होंने अपना डिसीजन रिवर्स कर दिया, कहा कि सस्पेंड कर रहे हैं हम बिटकॉइन क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है। तो यहाँ पर केथी वुड ने यही कहा है सीधा सीधा कि यहाँ पर जो ESG मूवमेंट है और जो एलन मस्क हैं, इन लोगों की वजह से शुरुआत हुई, और यहाँ पर ESG मूवमेंट की वजह से ही जो एनर्जी की बातें होने लगी, उसी चक्कर में बिटकॉइन की यहाँ पर प्राइस हाफ हो गई है लेके, ठीक। हालांकि यहाँ पर पहले भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत सारी एफर्ट वगैरह आती रही हैं समय समय पर। तो अब देखोगे यहाँ पर NFL लीजेंड जो हैं, सुपर बॉल के चैंपियन रहे 7 times, उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्रिप्टो को यहाँ पर जाते हुए नहीं देखा, और उनके पास बहुत सारे कॉइन्स भी हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो में, बट वो ये नहीं बताया है कि कौन से क्रिप्टो में उन्होंने कर रखा है, ये तो नहीं बताया। बट इन्होंने ये बोला है कि आई एम अ बिग बिलीवर इन क्रिप्टो, Brady said in a pre-recorded video interview with FTX founder Sam Bankman-Fried. He did not share any specific detail about which crypto asset he is invested in. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने खुद का नहीं बताया, बट ये मालूम है उनको, in my understanding it was really a vote of confidence to really get the conversation as I am such a big believer in crypto and where things are heading in the world, Brady ने कहा, ठीक। तो एक खबर है यहाँ पर NFL लीजेंड भी क्रिप्टो में आ रहे हैं, तो ये सब धीरे धीरे लोग जो आ रहे हैं, आप समझ रहे हो यहाँ पर क्रिप्टो को कहीं जाना नहीं है, क्रिप्टो को यहीं रहना है, हमारे साथ ही रहना है, तो क्रिप्टो में कोई घबराने की बात नहीं है।
डिफिनिटी को आप लोग जानते हो कि डिफिनिटी, अगर जिन लोगों को नहीं मालूम है, आप जब कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे तो आपको एक कॉइन या प्रोजेक्ट दिखेगा जिसका नाम है इंटरनेट कंप्यूटर, ICP। तो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल के पीछे की जो कंपनी वो डिफिनिटी है, ठीक। तो उसने रिस्पॉन्ड किया है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर उसके प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके बातें हो रही थी। तो इंटरनेट कंप्यूटर का स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई, मतलब स्टॉक नहीं, मेरे ख्याल से उसका कॉइन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे लॉन्चिंग के वक्त, और वहाँ से वो धीरे धीरे गिर रहा है ग्राफ उसका, ICP का आप देखोगे तो। इफ ICP एक तरह से आप कह सकते हो जैसे स्टॉक के साथ होता है वैसा हुआ ICP के साथ, उसका प्राइस बहुत हाई चला गया था और फिर वहाँ से 600 से शायद $100 के आसपास गिर गया यहाँ पर, ठीक। अब वो क्रैश से भी ज़्यादा गिर गया जितना और नॉर्मली क्रैश, वो 1/6 हो गया था। डेफिनेटली टीम बिहाइंड द इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल और ICP हैज फायर्ड बैक एट इट्स क्रिटिक saying that decentralization privacy feature in Ask Me Anything, मैं कहा है Reddit में जब Ask Me Anything, तो यहाँ पर बोला है इन्होंने कि जो टीम है वो एश्योर करती है कि जो प्रोजेक्ट का फाउंडेशन है उस पर कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग पावर जो है टीम की ना हो, टीम की वोटिंग पावर नहीं है यहाँ पर, कम्युनिटी की हो, जो नेटवर्क की प्रायोरिटी है वो सब कम्युनिटी के पास हो पावर। प्रोजेक्ट एम्स टू रिप्लेस द पब्लिक इंटरनेट विद अ डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर नोड सबनेट्स एंड ये, ठीक। However, the NFNNS has been the subject of criticism with users expressing concerns regarding the centralization of voting power. यहाँ पर NNS जो टेक्निक होती है, नेटवर्क नर्वस सिस्टम, उसमें क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन का डर रहता है, जिसकी वजह से लोगों ने इस पर जो है क्रिटिक करना शुरू किया, लोगों ने इसको बुरा भला कहना शुरू किया, तभी आप देखोगे इनका जो कॉइन है वो नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द कम्युनिटी नीड्स टू स्टेप अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई पर्सनली बिलीव द कम्युनिटी विल स्टेप अप टू दैट रोल बट इट इज़ अर्ली एंड वी हैव मैनी चैलेंजेस अहेड ऑफ अस। ये हो गया इंटरनेट कंप्यूटर को लेकर बात। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट डेटा आया है, देखोगे आप NFT वॉल्यूम हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड इवन एमिड प्राइस क्रैश। यानी कि आप देखोगे कि पॉपुलैरिटी जो NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स की बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। Despite the extraordinary market crash जो दुनिया भर में हुआ, उसमें $1 trillion जो है डॉलर चले गए $1 trillion क्रिप्टो मार्केट से, तो उसके बाद भी यहाँ पर आप देखोगे NFT में यहाँ पर बढ़ता ही रहा है लोगों का रुझान। तो देखोगे 300% जनवरी से यहाँ पर मई तक बढ़ गया, यानी कि 21,000 NFT खरीदे जा रहे थे पर डे इन जनवरी, और अब कितने खरीदे जा रहे हैं मई में 82,373। तो आपको पता है ना NFT कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। NFT एक यूनिक चीज़ हो जाती है जिसको लेने के लिए लोग बिडिंग करते हैं कि मतलब भैया हमको इतने में दे दो, इतने में दे दो, जो एंटीक चीज़ होती है, जो यूनिक चीज़ होती है उसको पाने के लिए सब पीछे पड़ते हैं। तो NFT लेके लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि यस्टरडे इंटरनेट ट्रेंड प्लेटफॉर्म meme.com अनाउंस्ड इट हैड रेज 5 million फॉर अ न्यू मार्केट प्लेस फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन मीम क्रिप्टो करेंसीज एंड NFTs। तो यहाँ पर $5 million इसने जोड़े हैं, $5 million जो है इन्होंने जोड़ लिए हैं, और मार्केट प्लेस बनाने वाले हैं जो कि सिर्फ मीम क्रिप्टो करेंसीज और NFTs को लेकर फोकस होगा। अल्टीमेटली meme.com डेवलपर्स कैन प्लान टू क्रिएट अ कॉइन मार्केट कैप फॉर मीमेटिक कंटेंट। यानी कि कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट बनाएंगे meme.com, वो बनाएंगे मीम कॉइन्स के लिए, ठीक, with charts and timelines where user can compare each meme and trend. The company's Instagram account already has 7.2 million followers. तो meme.com को आप लोग फॉलो करते होगा, आप लोगों ने देखा होगा वो इंटरनेट पे। तो यहाँ पर एक और बात आई है, बिलियनर कार्ल अगेन की कल न्यूज़ आई थी, तो उनकी न्यूज़ में एक और इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर बताया कि कार्ल अगेन सेज इथेरियम इज़ अ बोथ अ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ पेमेंट सिस्टम। इन्होंने इथेरियम को प्रेफर किया है बिटकॉइन के बदले में। देखोगे आप With Ethereum, it is the underlying blockchain. So Ethereum has two things. या तो आप तो उसको पेमेंट के सिस्टम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, दूसरी उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब वो बहुत काम आता है आपके अलग अलग तरीकों से, ठीक है। When it comes to Bitcoin, the American businessman whose net worth is estimated to 5.6 billion says that it can only serve as a store of value. So Ethereum and Bitcoin are different. Bitcoin to me is just a store of value. ठीक। तो यहाँ पर देखोगे $1 billion बेट लगा रहे हैं कि 1 से 1.5 billion तक इन्होंने कहा है कि लगाएंगे ये। तो यहाँ पर आपको देखोगे एक और न्यूज़ है जिसके बारे में आपको बताना था मुझे, और ये है न्यूज़ JP Morgan CEO stays away from Bitcoin। तो JP Morgan के CEO जो हैं जेमी डेमन सेज हिज व्यूज़ ऑन बिटकॉइन हैवन्ट चेंज मच, ठीक है।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा माई ओन पर्सनल एडवाइस टू पीपल इज टू स्टे अवे फ्रॉम इट, दैट डज नॉट मीन द क्लाइंट्स डोंट वॉन्ट इट, दिस गोज बैक टू हाउ यू हैव टू रन अ बिजनेस, आई डोंट स्मोक मारिजुआना बट इफ यू मेक इट नेशनली लीगल आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप अवर पीपल फ्रॉम बैंकिंग इट, आई डोंट टेल पीपल हाउ टू स्पेंड देयर मनी। तो यहाँ पर बिटकॉइन को फ्रॉड कहा था डिमन ने अपने समय में 2017 में, और अभी भी उनका जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूव आई है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कार्डानो का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, जो कार्डानो का जो अलोंजो टेस्टनेट है वो लॉन्च कर दिया गया है यहाँ पर, और ये मैं आप लोगों को शायद शुरुआत से बता रहा हूँ इसके अलोंजो टेस्टनेट के बारे में। कार्डानोज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो लाइव अराउंड सेप्टेम्बर, ठीक, वाइल प्रेजेंटिंग रोल आउट प्लान फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लाइव होंगे वो होंगे सेप्टेम्बर में, तो सेप्टेम्बर में एक और आपको मिल गया इवेंट देखिए। According to May 27 announcement in output, Cardano has successfully rolled out the first Alonzo testnet. तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। Cardano ने अपना जो है testnet यहाँ पर release कर दिया है। The Alonzo Blue testnet will be initially available for a limited number of stake pool operators, members of the Plutus Pioneer program as well as several partners. तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पर कार्डानो ने बोला कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सितंबर में लाइव होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अगला इवेंट मिल गया कार्डानो का, सितंबर तक आपको वेट करना है कार्डानो का, वहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे तो भी यहाँ पर प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इतना ही था आज की न्यूज़ में, आज आशा करता हूँ आपको ये सब न्यूज़ अच्छी लगी होगी, आप बोर नहीं होगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो हमारे, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।